आसंता मे एक तारीख ठारु 18 वर्षर ऊर्ध समस्त व्यक्ति निमन्ते कोरोना उद्दिष्ट टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो रक्तर अभाव देखा संभावना रही कारण प्रथम डोज नबार 45-60 दिन पर सेकेंड डोज निया जाए एवं वैक्सीन नबार 28 दिन पर्यंत केही रक्तदान करिपारिबे नाही। एहाकु दृष्टिरे रखि आज बालेश्वर छात्र नेता शुभम साई महापात्रों नेतृत्व में सकाळ 8 घटिकारु संध्या 8 घटिका पर्यंत ओडिशा मो परिवार एवं बिजु छात्र जनता दल मिलित आनुकूल्य जीवनबिंदु विशाल रक्तदान शिविर बालेश्वर होटेल टॉप एंड टेस्टी ठारे अनुष्ठित हो जाएछि। रक्तदान शिविर में सारा जिलारु शताधिक रक्तदाता स्वेच्छाकृत भाव में जोगदे रक्तदान करिछन्ति। उद्घाटिका भाव में बालेश्वर जिला बिजु जनता दल वरिष्ठ नेत्री तथा रेवती साहित्य पत्रिकार संपादिका श्रीमती सुभासिनी जेना जोगदे फिताकाटी शिविर को उद्घाटन कर आयोजक मान प्रयास को भूयसी प्रशंसा करने सहित रक्तदाता मान धन्यवाद दी। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि भाव में सदर विधायक स्वरूप कुमार दास सम्मानित अतिथि भाव में जिला ओडिशा मो परिवार जीवनबिंदु संयोजक मोहम्मद साहिरुल हक प्रमुख जोगदे रक्तदाता उत्साहित कर समस्त कोविड नियम मान विशाल रक्तदान शिविर चालू रही संध्या 8 पर्यंत विशाल रक्तदान शिविर चालू हो। कोरोना महामारी रे राज्य आरंभ कर जिलार प्रत्येक डाक्तरखाना रही रक्तभंडार गुड़िकर रक्तर अभाव परिलक्षित होता बेले दृष्टि रखि बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक बिजु छात्र जनता दल सभापति फ्रांसिस बेकन नेतृत्व में जोन नंबर 13 नरसिंहपुर पंचायत ठार एक विशाल रक्तदान शिविर अनुषित होता। मुख्य अतिथि भाव में नीलगिरी निर्वाचन मंडल बिजेडी विधायक प्रार्थी संतोष कटुआ जोगदे फिताकाटी शुभ उद्घाटन करते अन्य स्थानीय समिति सभ्य जतीन्द्र नायक उपस्थित रही उक्त शिविर मोट 52 यूनिट रक्त संग्रह कर स्मृतिरंजन महांती अविनाश महांती सत्यनारायण महांती प्रशांत पारिक विजयानंद जेना सुभाष बेहरा प्रफुल्ल सेठी अरूप जेना स्वरूपानंद प्रमुख उपस्थित रही सहयोग करते। नीलगिरी कपिल सामल रिपोर्ट अभय न्यूज ओडिशा।